हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पद्मनी। सो आज मैं लेके आई हूँ आप बिना मेहनत के कैसे सब्जी को एकदम स्वादिष्ट बना सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं और वो भी कम मेहनत के। सर, एक ही मसाले में आप 20 से 25 सब्जियाँ बना सकते हैं बहुत ही कम समय में और चुटकियों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक एक करके मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, वीडियो को पूरा देखें। तो पहले मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जीरा, जो कि बहुत ज़रूरी है हर सब्जी में, और 1.5 टेबलस्पून धनिया। धनिया और जीरा को हम धीरे धीरे लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है हर सब्जी में, सो उसे पहले हम रोस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं अगर इस टाइप की वीडियो देखना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये एक नई चैनल है और आपकी सपोर्ट मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये धीरे धीरे रोस्ट हो रहा है, हम इसे लो फ्लेम में अच्छे से गर्म कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अगर कच्चा रहे तो सब्जी में टेस्ट नहीं आते। तो उसे ये अभी थोड़ा गर्म हो गया और थोड़ी देर उसको रोस्ट करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जीरा और धनिया अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो ले सकते हैं, मैं एक हफ्तों के लिए ले रही हूँ तो उस हिसाब से क्वांटिटी लिया है, तो आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये अभी ये गर्म है, थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। अब फिर से कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे जो है दालचीनी। दालचीनी 4-5 टुकड़ा ले लीजिए, छोटा बड़ा आप कोई सा भी चाहे। तो दालचीनी के बाद हम उसमें ऐड करेंगे इलायची, जो बड़ी इलायची होती है उसे। नेक्स्ट मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 जायफल, दोनों भाग में टूट गए हैं, और ऐड करेंगे जावित्री। जावित्री के बाद हम उसमें ऐड करेंगे स्टार एनिस, 2 स्टार एनिस लिए हैं। मसाले के हिसाब से उसका क्वांटिटी होना चाहिए, तब जाके उसका अच्छे से फ्लेवर निकलेगा। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन कार्डमम, 4 लिए हैं, और उसे लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे जब तक उसका जो फ्लेवर है उसका धीमी धीमी खुशबू ना आ जाए। तो उसे गर्म होने देंगे और रोस्ट करेंगे। और मैं 1 टेबलस्पून उसमें ऐड कर रही हूँ पीपर, ब्लैक पीपर, और 7 से 8 लौंग, और उसे भी अच्छे से रोस्ट करेंगे कुछ देर के लिए गर्म होने तक। और उसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 तेज़पत्ता, उसे तोड़कर इस तरह से उसी के साथ रोस्ट करेंगे। उसके बाद मसाले को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे 8 से 9 होल काजू, और उसे भी मसाले के साथ रोस्ट करेंगे कुछ देर के लिए गर्म होने तक लो फ्लेम में, जब तक वो अच्छे से गर्म ना हो जाए, क्योंकि गर्म होने से ही वो अच्छे से उसका खुशबू आएगा और फ्लेवर ऐड होगा। तो उसे धीमी आंच में एकदम हम 10 से 15 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। सब लगभग हो गए हैं 10 से 15 मिनट, और अभी देखेंगे, चेक करेंगे कि ये अभी तक रोस्ट हुआ है कि नहीं, ड्राई रोस्ट कर रहे हैं अच्छे से रोस्ट हुआ कि नहीं, तो पत्तों को लेंगे और तोड़ के देखेंगे। तो बेल लीफ अच्छे से टूट रहा है, लेकिन जो काजू है और कुछ ड्राई मसाले हैं गरम मसाले वो अभी तक नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर और उसे रोस्ट करेंगे, क्योंकि काजू जो है थोड़ा सा नरम था उसे थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, मतलब खुश्क होने देंगे, और कुछ देर बाद उसे रोस्ट करेंगे। सो 5 से 10 मिनट हो गए हैं उसे रोस्ट किए हुए, तो अभी हम उसमें ऐड करेंगे फेनल सीड्स, क्योंकि ये बहुत ही एक मीठापन लाता है सब्जी में और धीमी धीमी खुशबू लाती है, तो उसे ज़रूर ऐड करें, ये बहुत ही बढ़िया एक खुशबू देगा आपके सब्जी में। तो अभी फेनल सीड डालने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे जो है अजवाइन। अजवाइन हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करती है, सो और सब्जी में बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आती है,
सो उसे ज़रूर ऐड करें। उसके बाद हम लेंगे सूखी लाल मिर्च, आप चाहें तो क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। सो ये जो सूखी मिर्च है, ड्राई चिली है, ये थोड़ी सी स्पाइसी है, तो इसलिए मैंने 4 डाली है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसे भी उस मसाले के साथ अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ देर के लिए, एटलीस्ट 15 मिनट तक, क्योंकि अगर आप उसे स्टोर करके रखेंगे तो भी ये अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी नमी होगी तो ये जल्द ख़राब हो जाएगी मसाले। सो उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करें। सो उसे भी और 10 मिनट तक हमने रोस्ट किया है। अभी जो हमने पहले से रोस्ट करके रखा था क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर सीड्स यानी जीरा और धनिया, उसे हम उसमें ऐड कर देंगे और उसे भी एक साथ रोस्ट करेंगे कुछ देर के लिए, ताकि अच्छे से सारी मसाले जो अच्छे से रोस्ट हो जाए, फ्लेवर एडेड हो जाए हर मसाले का, तो इसलिए उसे भी थोड़ी देर इस तरह से गर्म कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे। अब कुछ देर रोस्ट करने के बाद मैं उसे एक प्लेट में डाल दिया है, तो मसाले अच्छे से रोस्ट होने के बाद हम उसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये दरदरा पीसा है, एकदम महीन पेस्ट नहीं हुआ है, पाउडर नहीं हुआ है, तो आप उसे दरदरा ही पीसे तो अच्छा रहेगा। आप मसाले में डाल के उसे और भी फिर से पेस्ट बना सकते हैं, और उसे ऐसे डालने से उसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी सब्ज़ी एकदम स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह से मैंने उसे मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहे तो उसे छानकर छन्नी से रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, अगर इस जार को आप लेना चाहते हैं तो उसका भी रिव्यू मैं डाल रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। और इस ट्रे और जार को अगर मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, जो कि मैंने मंगवाई है और अच्छी प्राइस में मिली, डिस्काउंट में, तो उसका भी मैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग डाल रही हूँ, उसे भी देख लें। और आप चाहें तो मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, क्योंकि एक अच्छी ग्लास जार में और टाइट कंटेनर में मसाले को रखेंगे तो वो बहुत दिन तक यानी ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं उस जार के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये होममेड मसाला आपके सब्जी में एकदम जान डाल देगी, और इसे इस तरह से महीन पीसकर या फिर ऐसे थोड़ा दरदरा पीसकर स्टोर कर सकते हैं इस तरह की ग्लास जार में, जो कि ट्रे का है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है, आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी जार से। और ये स्मॉल साइज़ के ग्लास जार्स हैं, आप उसमें ऑयल वगैरह डालकर भी रख सकते हैं, मसाले रख सकते हैं, जो ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं उसे स्टोर कर सकते हैं। ये टाइट कंटेनर्स हैं, ग्लास जार्स हैं, तो ये छोटे छोटे हैं, स्मॉल्स है ट्रेओ की, और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है और बहुत ही कम दाम में ये हमें मिली। सो ये एक साथ 3 जार्स थे और इसकी प्राइस थी 202 रुपीज ओनली, और ये ट्रांसपेरेंट लीड है तो आपको दिख जाएगा आपने क्या स्टोर करके रखा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।